बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुनसा शाह, आपकी अपनी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो इस वीक, ये वीक स्टार्ट होगा लीब्रा आप लोगों के लिए, मीज़ान बुर्ज, मीज़ान भी कहा जाता है, 26 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। और इस हफ़्ते क्या क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में देखिएगा इस वीडियो में, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी इस हफ़्ते आपको कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है और जेमस्टोन कौन सा वेयर करना है और सदका कौन सा देना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। तो 26 अप्रैल से लेकर 2 मई यानी कि 2 मई तक लीब्रा वालों का जो है प्लैनेट्स की क्या पोजीशन रहेगी। प्लैनेट्स जो हैं, मरकरी मुझे जो है वो कैंसर में आता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ जुपिटर जो है वो एंटर हो रहा है सेगिटेरियस में। तो मरकरी और जुपिटर की वजह से आपका जो काफ़ी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं या पॉलिटिक्स में हैं, जो बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए भी काफ़ी मसरूफ़ वीक नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे घर की जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बिज़ी रह रहा है। ख़रीदारी हो गई, बच्चों के काम हो गए, घर के काम हो गए, घर की रेनोवेशन हो गई, कोई शादी की तकरीब की तैयारी भी मुझे नज़र आ रही है, और या घर में कुछ काफ़ी मेहमानदारी या घर में कोई गहमा गहमी नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ बैरून मुल्क से, आउट ऑफ कंट्री से कुछ लोग, रिश्तेदार या आपके बहन भाई आए, तो उन सब की तैयारियां या उनसे मुलाकात भी ख़वातीन के लिए नज़र आ रही है। और स्पेशली जो फीमेल्स जो वर्किंग हैं, जो काम करती हैं, उनके लिए भी ये बिज़ी, उनके लिए भी डबल चीज़ों की ज़िम्मेदारी है। काम वहाँ की भी मसरूफियत होगी, उसको भी मैनेज कर रहे हैं, घर को भी मैनेज कर रहे हैं, तो बड़ी आपकी बैलेंस नज़र आ रहा है दोनों चीज़ों में, कि बड़ा बराबर चीज़ों में उसमें भी इन्वॉल्व हैं, इसमें भी इन्वॉल्व हैं। तो लीब्रा वाले जो हैं वैसे ही घर बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, मैनेज करते हैं आप लोग, तो आपका रिलेशनशिप लीब्रा वालों का लिए थोड़ा सा इशू क्रिएटेड नज़र आ रहा है, कि आपके मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, इंडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में आपके कोई इतनी ज़्यादा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपको उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें आपको पूरी नहीं हो रही, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। थोड़ा अपने पार्टनर के साथ जैसे खिंचाव, एक अजीब सी कैफियत नज़र आ रही है लीब्रा वालों की, कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको आपका पार्टनर नहीं दे रहा, इसकी वजह से थोड़ी डिप्रेशन, मायूसी, नाउम्मीदी भी नज़र आ रही है। अच्छा, टैरो रीडिंग की तरफ आते हैं लीब्रा की, कि टैरो रीडिंग क्या कह रहे हैं लीब्रा वालों के लिए। कुछ नए काम की इब्तिदा नज़र आ रही है, हो सकता है घर में कोई नया काम हो, या आपका कोई नया बिज़नेस हो सकता है, कोई नई डील हो सकती है, कहीं नया जॉब करेंगे या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे चीज़ों की रीजनरेशन नज़र आ रही है, चीज़ों को दोबारा से बेहतर वे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में की थी, आपकी कोशिश यही है कि वो मिस्टेक्स जो हैं आप दोबारा रिपीट ना करें, और वो चीज़ें जो हैं आपको जैसे माइंड में बार बार दोबारा से याद आती हैं, जो आपने, आपसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, या कुछ ऐसे वाक़ियात हुए हैं पास्ट में जो आपको बार बार उसकी वजह से बड़ा फियर, दिल में इनसिक्योरिटी फील होती हुई नज़र आ रही है। तो लिब्रा वाले जो हर हफ्ते जो मैं आपको स्टोन रिकमेंड करती हूँ, सेम जेम स्टोन है। येलो सफ़ायर भी आप पहन सकते हैं, आप ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप जेम स्टोन वेयर करें। आपके जो मामलात हैं, चाहे लव लाइफ, रिलेशनशिप, या आपके घर के मसले हैं, इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं, बिज़नेस, ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में
हीलिंग की ज़रूरत है होती है, उनमें एनर्जी, उनमें पावर की ज़रूरत होती है। तो ये स्टोन्स जो हैं उनमें पावर लेकर आते हैं, इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो उनको भी हील करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक जेम स्टोन आप वेयर करके ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ आपने सूर्य शम्स जो है वो रोज़ाना 7 times इसका विर्द करना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ के, और सूर्य शम्स आपने 7 times किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। और उसके साथ आपने देना है काली किसी भी चीज़ का सदका, काला कपड़ा हो गया, काली दाल हो गई, कोई भी चीज़ आप काली, कोई काला बकरा हो गया, काली मुर्गी हो गई, इस अपनी हैसियत के मुताबिक हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा सदका ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी कुछ इस हफ़्ते की कैलकुलेशंस और सदकात वज़ाइफ़। और अगर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ़ और सदकात जानना चाहते हैं, तो नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।